दोस्तों आज हम बात करेंगे चाइना की, जिन्होंने अपने एग्रेसिव स्टैंड को कंटिन्यू करते हुए भूटान के कई डिस्प्यूटेड इलाकों में विलेजेस कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया है। जहां अब तक चाइना ने इंडिया के बॉर्डर रीजन्स और ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में सेटल किया था, अब इन्होंने भूटान में घुसकर उन्हें थ्रेटन करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि चाइना ने भूटान बॉर्डर के कई रीजन्स पर अपना क्लेम जताया है। अगर हम नदन भूटान की बात करें तो बेउल खेनपा जोंग और मेंचुमा वैली रीजन्स को चाइना ने क्लेम किया है। वहीं ईस्टर्न भूटान में चाइना ने सैक्टिंग रीजन को क्लेम किया है, जिसे सिर्फ अरुणाचल प्रदेश द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है। इंटरेस्टिंगली सैक्टिंग रीजन न तिब्बत का पार्ट है और न ही भूटानीज टेरिटरी क्लेम्ड बाय चाइना। फाइनली वेस्टर्न भूटान में चाइना ने चार कंटीजियस एरिया में अपना हक जताया है, जैसे डोकलम, चरीथांग, सिंचुलुंगपा और ड्रमाना। इसी डोकलम प्लेटू पर चाइना ने रोड बनाने का प्रयास किया, जिसके चलते इंडियन आर्मी और चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच 2017 में स्टैंड ऑफ हुआ। ये रीजन इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से नॉर्थ ईस्ट का एसेंशियल चोक पॉइंट सिलीगुड़ी कॉरिडोर काफ़ी क्लोजली लोकेटेड है। अपने क्लेम्स को पूरा करने के लिए चाइना ने भूटानीज टेरिटरी में रोड्स, विलेजेस और मिलिट्री आउटपोस्ट को क्रिएट किया है। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन बॉर्डर विलेजेस पर एक नज़र डालते हैं, साथ ही देखेंगे कि कैसे चाइना इन्हें यूज़ कर इंडिया को इंटिमिडेट करना चाहता है और अपना पावर साउथ एशिया में प्रोजेक्ट करना चाहता है। चलिए पहले हम चाइना के बढ़ते भूटानीज प्रेजेंस को देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। सबसे पहला है ग्यालाफुक विलेज। दोस्तों अक्टूबर 2015 में तिब्बत और चाइना के अन्य रीजन से वर्कर्स को भूटान के नदन बॉर्डर पर लाया गया। इन वर्कर्स की मदद से उन्होंने बेउल के मब्जाथांग रीजन को तिब्बत के लग्याप रीजन से कनेक्ट किया। इस 29 माइल रोड को 15,700 फीट हाई माउंटेन पास नामगुंगला के थ्रू कंस्ट्रक्ट किया गया। $15 मिलियन का यह प्रोजेक्ट चाइना के फर्स्ट नोन प्रोजेक्ट में से है जब उन्होंने भूटान में घुसना शुरू किया। इसके बाद अक्टूबर 2016 में मब्जाथांग में उन्होंने कम्युनिकेशन बेस स्टेशन एस्टैब्लिश किया। इसी साल उन्होंने तिब्बत भूटान बॉर्डर के 2.5 माइल्स पर बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया। इस साइट को जाइलुओबू या तिब्बतन लैंग्वेज में ग्यालाफुक नाम दिया गया। 2017 में उन्होंने $6.9 मिलियन स्पेंड कर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम्प्लीट किया और फाइनली अक्टूबर 2018 में विलेज को फॉर्मली रेजिडेंट्स के लिए ओपन किया। इन रेजिडेंट्स को सोल्जर विदाउट यूनिफॉर्म्स कहा जाता है, जिनके प्राइमरी टास्क है चाइना के बॉर्डर्स को गार्ड करना। ग्यालाफुक चाइना के 600 न्यू विलेजेस का पार्ट है, जिन्हें 2017 पॉलिसी ऑफ वेल ऑफ बॉर्डर विलेज कंस्ट्रक्शन इन तिब्बत के तहत कंस्ट्रक्ट किया गया। जहां अब तक ये लोकेशन दुनिया से छुपाया गया, अब सेटेलाइट इमेजेस ने रिवील किया है कि यहां रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के अलावा कम्युनिस्ट पार्टी के बिल्डिंग्स, चाइना का जॉइंट नेशनल फ्लैग पेंटिंग को यूज कर पॉलिटिकल डोमिनेंस असर्ट किया जा रहा है। दोस्तों ग्यालाफुक, जिसे भूटान में बेउल खेनपा जोंग कहा जाता है, भूटान का मोस्ट सेक्रेट लोकेशन माना जाता है, जहां तिब्बतन बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता है। इसी रिलीजियस सिग्निफिकेंस के चलते कोई भूटानीज ऑफिशियल फॉर्मली चाइना को इस एरिया को कंट्रोल करने नहीं दे सकता। भूटानीज पॉलिटिकल कमेंटेटर तेंजिंग लमसांग के अनुसार भूटान ने डिसिप्लिन साइलेंस मेंटेन किया है और इंडिया चाइना के साथ डिप्लोमेटिकली सेफ रिलेशन एस्टैब्लिश किए। ग्यालाफुक के अलावा चाइना ने मेंचुमा वैली या मिंजुमा में भी क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट शुरू किया है। ये वैली भूटान और तिब्बत के फ्रंटियर बॉर्डर लाया तिब्बत पास के सदर्न रीजन में पाया जाता है। मिड 2017 में चाइना ने बॉर्डला से होते हुए मेंचुमा वैली में रोड कंस्ट्रक्ट किया है। इंडियन डिफेंस एनालिस्ट जयदेवा रनाडे के अनुसार 2019 तक चाइना ने यहाँ 20 रेसिडेंट्स को सेटल किया है। वहीं जनवरी तक ये नंबर 50 हाउसहोल्ड्स के पार चला गया है। ये रीजन भूटान के एक और हिस्टोरिक साइट सिंगे जोंग से सिर्फ 3.7 माइल्स दूर है। इसी के साथ ग्यालाफुक के साउथ ईस्ट में डर्मालुंग विलेज कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इस विलेज को बिसाइड द बॉर्डर रिलोकेशन विलेज कहा जाएगा, जो बेसिकली निगरानी रखने के लिए मिलिट्री आउटपोस्ट होगा। वहीं अगस्त 2020 को सैटेलाइट इमेजेस ने रिवील किया कि ग्यालाफुक के ईस्ट पर जकार्डलुंग रीजन में चाइना ने रोड्स और कंपाउंड कंस्ट्रक्ट किए हैं। इस कंपाउंड में 7 डॉर्मेटरी स्टाइल सिंगल स्टोरी बिल्डिंग्स मौजूद हैं, जो 100 से ज़्यादा लोगों को हाउस कर सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये चाइना के सेकेंड बॉर्डर डिफेंस रेजिमेंट के लिए बनाया गया है, जो लोखा बॉर्डर को गार्ड करते हैं। इसी के साथ अप्रैल 2020 को सैटेलाइट इमेजेस ने दिखाया कि बेउल के वेस्टर्न पार्ट पक्सामलुंग वैली में सैटेलाइट रिसीविंग स्टेशन बिल्ड किया गया है। ये इस रीजन में पहला सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है।
जहां तक चाइनीज सोल्जर्स बाई फुट इन रीजन्स को एक्सेस करते थे, इन स्ट्रेटजिक रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव किया जा रहा है। 2015 के पहले यहाँ हार्डली कोई रोड या मिलिट्री आउटपोस्ट हुआ करता था, लेकिन कुछ ही सालों में चाइना ने भूटान और इंडिया को थ्रेटन करने के लिए परमानेंट बॉर्डर पोस्ट एस्टैब्लिश किए हैं। इन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज को देखने के बाद चलिए हम चाइना भूटान के रिलेशन पर भी एक नज़र डालते हैं। दोस्तों 1970s से ही भूटान और चाइना के बीच रिलेशंस काफी फ्रेंडली रहे हैं, जब भूटान ने चाइना की यूनाइटेड नेशंस एंट्री को सपोर्ट किया था। हालांकि ब्रिटिशर्स ने अनसर्टेन बॉर्डर क्रिएट की है, जिसके कारण चाइना और भूटान में बॉर्डर डिस्प्यूट शुरू हुए। 1984 के बाद दोनों कंट्रीज में करीब 24 राउंड्स ऑर्गेनाइज किए गए, जिससे बॉर्डर डिस्प्यूट को पीसफुली सॉल्व किया जा सके। भूटान ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए 154 स्क्वायर किलोमीटर कुला खारी एरिया को चाइना को सौंप दिया। भूटान के इस पॉजिटिव जेस्चर के बावजूद चाइना ने अपना प्रोवोकेशन कम नहीं किया। आपको बता दें कि 1998 में चाइना और भूटान के बीच एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट के तहत दोनों कंट्रीज ने डिस्प्यूटेड एरियाज को अनऑल्टर्ड रखने का डिसीजन लिया था। चाइना के बॉर्डर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इस एग्रीमेंट को कम्प्लीटली वायलेट करते हैं। उन्होंने अपने एग्रेशन को यूज कर भूटान को आर्म ट्विस्टिंग करने का प्रयास किया है। हालांकि हमें यह समझना होगा कि चाइना द्वारा लिए गए स्टेप्स के मोटिव्स सिर्फ भूटान तक ही सीमित नहीं है। ब्रॉडली चाइना के मोटिव्स इस प्रकार हैं। पहला है एस्टैब्लिशिंग डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। दोस्तों चाइना के बेउल इंट्रूजन के पीछे भूटान उसका प्राइमरी फोकस नहीं है, बल्कि चाइना इस रीजन को यूज कर इंडिया के साथ अपने स्ट्रेटजिक राइवलरी में अपना पोजीशन स्ट्रेंथन करना चाहता है। बीजिंग चाहता है कि भूटान उनके साथ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश करे, जिसकी मदद से वे इंडिया के डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सकते हैं। चाइना ने इसी टेक्निक को यूज कर नेपाल को अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में लाया है। हालांकि भूटान ने इंडिया के साथ अपने लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन को मेंटेन करते हुए किसी भी मेजर पावर के साथ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं किए हैं। दूसरा है कंट्रोलिंग सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अगर हम 1990 से देखें तो चाइना ने हर टॉक्स में भूटान को 495 स्क्वायर किलोमीटर बेउल रीजन ऑफर किया है और बदले में 269 स्क्वायर किलोमीटर वेस्टर्न भूटान रीजन चाहते हैं। ये रीजन डोकलम, चरीथांग, सिंचुलुंगपा, ड्रमाना और शाखातोय एरिया कवर करता है, जो इंडिया के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 62 माइल्स दूर है। इस स्ट्रेटजिक लोकेशन को यूज कर चाइना इजिली नॉर्थ ईस्ट को थ्रेटन कर सकता है। आपको बता दें कि भूटान ने इस डील को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया था, लेकिन चाइना के बढ़ते डिमांड्स और प्रेशर के कारण डील कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाई। चाइना ने डील को कम्प्लीट करने के लिए सब्सटेंशियल इकोनॉमिक एड भी ऑफर किया है, लेकिन भूटान ने अपने एवरग्रीन पार्टनर इंडिया के साथ रिलेशन खराब ना हो इसलिए डील एक्सेप्ट नहीं किया। चाइना का बढ़ता एग्रेशन इसी डिप्लोमेटिक फेलियर का एक नतीजा है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा कि कैसे चाइना ने इस लेवल पर प्रोवोकेशन शुरू किया, जो पहले कभी नहीं विटनेस किया गया, जहां पहले उन्होंने फॉरवर्ड पेट्रोलिंग, रोड बिल्डिंग एक्सरसाइज किए हैं, लेकिन दूसरे कंट्री में घुसकर परमानेंटली सेटल होना एक रीसेंट इंस्टेंस है। चाइना ने जिस तरह साउथ चाइना सी में प्रोवोकेशन के चलते साउथ ईस्ट एशिया के साथ अपने रिलेशन खराब किया है, आज यही चीज हमें हिमालयन कंट्रीज के साथ देखने को मिल रहा है। ऐसा करने पर उन्होंने नेबर्स के साथ अपने रिलेशन को रिस्क किया है और अपना ग्लोबल रेपुटेशन खराब किया है। इससे इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज में पोजीशन इंप्रूव हो सकता है, क्योंकि नेबरिंग कंट्रीज को यह विश्वास हो जाएगा कि चाइना इकोनॉमिक एड के बदले में उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को थ्रेटन कर सकता है। इस सस्पेशन के चलते कंट्रीज इंडिया को अपना रिलायबल पार्टनर कंसीडर कर सकते हैं और अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों आपके हिसाब से इंडिया कैसे काउंटर कर सकता है चाइना के इस इंट्रूजन को अपने नेबरिंग कंट्रीज में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।